दोस्तों आप इसे जानते हो, वीवो का Y21 मोबाइल है दोस्तों। इसके अमेजिंग 5 सीक्रेट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो जो आपके लिए हेल्पफुल है, आप डेली लाइफ में इसे यूज करेंगे। ऐसे अमेजिंग 5 सीक्रेट्स मैंने इस वीडियो में बताए, तो वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदिनाथ, आप देख रहे टेक्निकल गुंडे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला वाला सीक्रेट है, आई प्रोटेक्शन है, आपकी आंखों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या आपको एडवांटेज वगैरह मिलते हैं। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर आई प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं आई प्रोटेक्शन, यहाँ से आप ऑलवेज ऑन भी कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन करने के बाद डायरेक्टली जो आप हर वक्त आपके जो आई प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाएगी। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, इसे मैं आई प्रोटेक्शन ऑन करता हूँ तो जो इसका थीम है थोड़ा चेंज हो गया, आपकी आंखों को तकलीफ नहीं देगा। तो आप इसे ऑलवेज ऑन भी कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हर वक्त जब तक आप इसे ऑफ नहीं करोगे तब तक ऑन ही रहेगा। आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन भी मिल रहा है सनसेट टू सनराइज, यानी आपको दिन के वक्त व्हाइट रहेगा और के वक्त नॉर्मल नॉर्मल येलो हो जाएगा, जिसमें आपकी आंखों के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। और या टर्न ऑफ कस्टम टाइम भी लगा सकते हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से भी अपना आई प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। आपको जब लगाना है तब आप अपने टाइम से हिसाब से भी लगा सकते। जो दूसरा वाला सीक्रेट है टॉप एरिया डिस्प्ले, दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं आप, जब भी आपने जो आपका मोबाइल होता है, ऐसे बहुत सारे अभी के नए न्यू फोन है जिसमें क्या होता है, जो ऊपर से है ना नॉच डिस्प्ले होता है, यानी जो आपका जो कैमरा है या ऊपर से ऐसे नॉच होता है यू शेप में होता है, तो इसके वजह से क्या होता है गेम वगैरह खेलने में या कैमरे की जगह पे आप फिंगर वगैरह नहीं लगा सकते, तो आप इसे गायब भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हो। तो इसे कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बताऊं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है, तो आपको सबसे नीचे टॉप एरिया डिस्प्ले यह ऑप्शन मिल रहेगा। तो आपको जो भी एप्लीकेशन का जो नॉच है हटाना है, तो आपको सिंपली से पबजी वगैरह खेलते हैं, आपको यहाँ से सिंपली से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वगैरह जो गेम वगैरह खेलते, तो आपको यहाँ से ये देखिए आप डिस्प्ले कवर एरिया यहाँ कस्टम भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फिटिंग जो का आपके गेम के हिसाब से ऑटोमेटिक फिटिंग भी हो जाएगा, और आपको यहाँ वी शेप में ही चाहिए तो ऐसे वी शेप में भी कर सकते हो, और आपको यहाँ नॉच में चाहिए यानी पूरा जो कैमरे का एरिया है पूरा ऐसे ढकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ आपका डिस्प्ले है या नहीं, तो आपका गेम खेलने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जो ट्रिक है दोस्तों डायनेमिक इफेक्ट, इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो आपका जब भी आप मोबाइल अनलॉक करोगे कुछ एप्लीकेशन जो आएंगे कुछ इफेक्ट के साथ आएंगे, ऐसे नॉर्मल आप जब भी मोबाइल ओपन करते हो तो ऐसे नॉर्मली ओपन होते, लेकिन कुछ इफेक्ट के साथ वो भी एप्लीकेशन आ सकते हैं आप ला सकते हैं। उसके साथ जो आपका फेस अनलॉक होता है, आप मोबाइल फोन में अपना फेस लॉक लगाया तो कुछ उसमें ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह होते हैं आपके फेस अनलॉक के लिए, कुछ ऐसे ऐसे इमोजी वगैरह होते तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो आपके चार्जिंग एनिमेशन होते हैं, जब भी आप अपना चार्जिंग प्लग लगाते हैं आपके मोबाइल को तो कुछ एनिमेशन आते हैं चार्जिंग इन के जो चार्जिंग दिखाई देते हैं, लेकिन उन एनिमेशन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यह ऑप्शन मिला गया एक डायनेमिक इफेक्ट, इस पर सिंपली से जाना है। देखिए फ्रेंड्स आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपके पास तीन इंटरफेस आएंगे तो आप ये तीनों भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन, जैसे आप मोबाइल अनलॉक करते हैं पहले से क्या होगा नन होगा, जैसे आप अपना फोन अनलॉक करते हैं कुछ भी इफेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे, तो आप यहाँ से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो ऐसे अप्लाई किया तो यहाँ से बैक आते हैं वाला जो है फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन, इसमें क्या कर सकते हैं जो आपका फेस अनलॉक होता है जैसे ही, तो अलग अलग थीम होगी। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से कुछ इमोजी वगैरह भी लगा सकते हैं, तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, तो आज जो आप जो चाहे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपना जो फेस है ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको पासवर्ड वगैरह डालने के बाद आपका जो फेस है अनलॉक हो जाएगा, तो मैं अपना पासवर्ड डाल चाहे वो आपके यहाँ से इमोजी वगैरह जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं जो थीम चाहिए वो। तो यहाँ से बैक आते हैं हम, तो आप ये सबसे नीचे देख सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन, इसमें क्या कर सकते हैं जब भी आप अपना मोबाइल चार्जिंग को लगाओगे तो अलग अलग एनिमेशन होंगे, पहले से क्या कुछ नन होगा जो आपको सिर्फ चार्जिंग प्लग का दिखाई देगा सिंबल, तो आप जब भी आप भी यहाँ से आप चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज कर सकते बड़े आराम से। अलग अलग एनिमेशन है देख सकते फ्रेंड्स, आप जो चाहे वो एनिमेशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली से अप्लाई पर क्लिक करना है, आपको जो एनिमेशन पसंद आएगा उस पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है, तो आपका एनिमेशन सेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर वाली जो ट्रिक है, आपको झोलझाल से पसंद है, आपको मोबाइल में कुछ अलग है झोलझाल है आपके मोबाइल में, तो आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह ऐप लॉक लगाना है तो आपको कोई भी ऐप लॉक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, अदर कोई भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल में ही आपका जो प्राइवेसी ऐप लॉक है तो आप उसे यूज करके अपने एप्लीकेशन को ऐप लॉक लगा सकते। आपको क्या करना है,
सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी ऐप एंड इंक्रिप्शन, तो आप इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो पासवर्ड पहली बार आप आया है तो आपको यहाँ सिंपली से एक पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पासवर्ड सेट करता हूँ। यहाँ दोबारा वेरीफाई पासवर्ड करना है तो मैं वेरीफाई करता हूँ। आपको यहाँ आंसर वगैरह क्वेश्चन, आपका कभी पासवर्ड वगैरह भूल गए तो आपको यहाँ आंसर क्वेश्चन करना है, तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं अपना पासवर्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा ओपन होगा। आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपको डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड, आपको यहाँ अपने जो प्राइवेसी पासवर्ड है आपको तो डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ मॉडिफाई पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अपना जो पासवर्ड है। ऐप इंक्रिप्शन, यहाँ से जो आपको जो भी एप्लीकेशन को ऐप लॉक लगाना है तो आप सिंपली से यहाँ से लगा सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको लॉक लगाना है, सिंपली से उस पर क्लिक करना है। लॉक क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है हाइड ऐप। यहाँ से सिंपली से हाइड ऐप पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे आपके ऐप जो फ़ोन में, तो आप यहाँ से हाइड ऐप भी कर सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन हाइड करना है तो यहाँ देख सकते हैं, आपको जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है तो आप सारे एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। तो DR ड्राइविंग वगैरह देखिए फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन हमने हाइड किया है, तो यहाँ सिंपली से व्यू हाइड ऐप्स भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से व्यू हाइड जो स्वाइप टू टू फिंगर्स, यानी जो आपके जो ऐसे ऊपर से टू फिंगर्स क्लिक करने के बाद आपका व्यू जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ वेरीफाई पासवर्ड, यहाँ से आप जो अपना पासवर्ड है वेरीफाई, जो आपको एप्लीकेशन जब आप टू फिंगर स्वाइप करोगे तो ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगना जरूरी है, नहीं आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑफ करोगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन, आपको पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा। और इसे ऑन करके रखोगे तो एप्लीकेशन जो ओपन होने से पहले पासवर्ड मांगेगा। तो सिंपली से हम यहाँ से टू फिंगर्स ऐसे अप करते, जैसे करते तो हमारे पास यहाँ पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ से आप यूज़ पासवर्ड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमने तीन एप्लीकेशन हाइड किए थे, हिडन ऐप, उतने हिडन ऐप्स डाल सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा आपके फ़ोन में कितने ऐप्स है वगैरह। नंबर पाँच वाली ट्रिक है बहुत ही फायदे वाली है दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आएगा ये ट्रिक सुन के। दोस्तों मल्टीपल यूजर्स इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपके पास एक मोबाइल है और यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई बहन कोई भी जितने सारे लोग हैं उतने सारे आप यूज़र्स बना सकते हैं इसमें। और जो आपका पर्सनल डाटा है, आप अपने यूजर्स पासवर्ड वगैरह लगा के अपना डाटा वगैरह पर्सनल कर सकते हैं। और आपके भाई को आपको मोबाइल देना होगा तो उसको ऐसे अलग यूजर बना के अपना जो मोबाइल उससे हैंड ओवर कर सकते, क्या होगा आप अपना डाटा भी सेव कर पाओगे और उसका भी अलग डाटा वगैरह स्टोर होगा। यानी एक ही मोबाइल में अलग अलग यूजर्स होंगे, जैसे PC में वगैरह होता है अलग अलग लॉग इन से अलग अलग एप्लीकेशन वगैरह ओपन होती है, तो वैसे ही मोबाइल में भी इसमें भी वैसे ही। इसलिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे के बाद आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ सिस्टम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ सिंपली सी सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर मल्टीपल यूजर्स। यहाँ देखिए आपको मल्टीपल यूजर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो आपका यूजर्स है एडमिन जो है यह ऊपर दिखाई देगा, आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप ऐड यूजर भी कर सकते हैं, जितने चाहे उतने यूजर ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही बहुत सारे यूजर वगैरह ऐड करके रखे, तो जितने यूजर्स ऐड करने हैं तो ऐसे नॉर्मल यूजर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं देखिए गेस्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही गेस्ट पर क्लिक करते हो आपको स्विच टू गेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्विच टू गेस्ट करना है। तो आपका जो मोबाइल है गेस्ट का आपके दोस्त के पास आपको किसी को हैंड ओवर करना है, तो सिंपली से देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ इस कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका मोबाइल एकदम नया जैसा होगा। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं, पहले मेरे जो पहला यूजर था उसमें पासवर्ड वगैरह लगा हुआ था। तो जिस वाले यूजर में भी अपना पासवर्ड वगैरह कस्टम कर सकते हैं, और जो यूजर है इसे यूज करते वक्त ही वो पासवर्ड डाल के यूज कर पाएगा। और आप जो आपका फ्रेंड है वगैरह जो भी है आपका मोबाइल यूज करने की कोशिश करेगा, तो आपको यहाँ से सिंपली से यूजर का ऑप्शन भी मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ से एक मिल रहा है आइकॉन जो इंसान का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ओनर वगैरह जो भी है, तो इस पर ओनर पर भी क्लिक किया तो क्या होगा, जो पासवर्ड मांगेगा स्विचिंग टू ओनर हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड जब तक पासवर्ड नहीं खुलेगा कुछ नहीं होगा। तो आपको ये देखिए पासवर्ड आ गया है ऑटोमेटिकली। तो जब आपको थोड़ा मोबाइल लैग वगैरह करता है, इससे क्या होता है थोड़ा मोबाइल जो सिस्टम है पूरी सिस्टम कन्वर्ट होने में थोड़ी टाइम लगता है, तो कुछ देर रुकना है। एक दो मिनट रुकने के बाद आपको सिंपली से स्वाइप करना है, तो आपका पासवर्ड डालने के बाद ही आप अपना मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप जिस इंटरफेस में थे उसी इंटरफेस में वापस आ गए। तो दोस्तों, आपको पाँचों में से कौन सी ट्रिक सबसे बढ़िया लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।